तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी सिविल जज रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या होने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। तो वीडियो से बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज को बात कीजिएगा, देन फिर यदि कोई आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के बारे में, कंप्लीट डिटेल्स को यहाँ पे आपको देते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यह जो आपके पोस्ट है 138 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन 21/8/2023 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 21/9/2023 होगा, फी पेमेंट का लास्ट डेट 27/9/2023 होगा, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जाकर जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी से अपील रहेगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपीज़ फीस रखा गया है और एसटीएससी के लिए 150, और इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 31/1/2023 तक आपकी एज लिमिट को काउंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर डेट से, जिसमें कि मिनिमम 22 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर का एज आपके पास कम से कम होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ भी दिए जाएंगे, टोटल 138 पोस्ट है, आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से पोस्ट को चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पे सिंपली जो पोस्ट है उसके बारे में। जो पोस्ट है हमारा वो सिविल जज जूनियर डिवीजन का पोस्ट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री एलएलबी में चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे सिंपली हम आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और वहाँ से जाके और भी बचे तमाम जानकारी को देते हैं। सभी स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका लोक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग का ये विज्ञापन निकाला गया है, यानी ये एडवर्टीजमेंट को निकाला गया है, जिसमें कि आपके सिविल जज के पोस्ट को निकाला गया है यहाँ पे सिंपली। उसके आप अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, और तो आप यहाँ से सारे चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं सिंपली हमारा जो ये इसके रिगार्डिंग जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे तीन प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें कि पहला प्रोसेस प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसे कि हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होंगे। दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। और तीसरा में आपका क्या होगा, वाइवा वॉइस होगा, यानी आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा, जिसे कि हम इंटरव्यू भी कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में। तो प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, द कोर्ट सिविल प्रोसीज्योर, द कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीज्योर, द इंडियन एविडेंस, द लॉ कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन पिनल कोड, ठीक है। इन सब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। चलिए 100 मार्क्स के बात कर लेते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं और बचे हुए डिटेल को जानते हैं। अगर आपने मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर आपने प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी के। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन का मेंस का एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है उसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न मेंस के लिए 4 पेपर में आपके एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें कि पहला पेपर का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरे पेपर का भी सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, तीसरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ, ये सभी चीज़ आपको देख सकते हैं। और फिर चौथे पेपर में आपका लैंग्वेज रहेगा, जिसमें कि एसे, प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये सभी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन जो रहेगा प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स मेन्स एग्जामिनेशन के लिए निकलेंगे उनके टोटल वैकेंसी के 3 गुना स्टूडेंट्स को वाइवा वॉइस के लिए, यानी आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू जो होंगे आपके 100 मार्क्स के होंगे, और आपको कम से कम इंटरव्यू में 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए, और 20% लाना एसटीएससी, ईबीसी एंड बीसी के लिए लाना अनिवार्य है। उसके बाद यदि आपका इतना आता है उसके बाद फिर कट ऑफ होगा, देन फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। बात करते हैं मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा, तो मेरिट लिस्ट जो होंगे आपके मेंस और क्या होंगे आपके इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और पहला जो प्री एग्जामिनेशन है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि आपके ये सभी होने के बाद आपका जो सेलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको सैलरी आप कितने प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वेतन के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका सैलरी रहेगा वो 27,700 से लेकर 44,770 के बीच में रहेगा सैलरी, जो कि इस सैलरी के बाद आपको अदर प्रकार के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका डीएनएस अलाउंस आपके होते हैं, टीए, डीए, सभी जो भी होते हैं जितने प्रकार के अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट्स के अनुसार, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे, ठीक है। और सिंपल सा बात है, ये आपके सिविल जज का है तो जज का काम क्या होता है वो सभी को पता है। उनका काम होता है सारे लॉ एंड ऑर्डर को उसको क्या करना, मेंटेन करने के साथ साथ लोगों को, उस जज का काम सिंपली होता है, आप जानते होंगे जज का काम क्या होता है, जज क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपना आदेश देते हैं और
किसी गलती को, किसी त्रुटि को वो उस पर अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं पे। यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और फॉर्म को जाकर भरिए। आपको डेट हमने सभी कुछ बता दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।